नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 में। इस समय मैं मौजूद हूँ बिलासपुर के पास हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज में। और आपको बता दें कि जैसे कि जिला भर में जो है कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है, मेडिकल स्टाफ के लिए भी चुनौती है, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही यमुनानगर में कल सूचना मिली थी कि 40-50 का आंकड़ा जो है कोरोना पेशेंट पार कर चुके हैं, ऐसे में बिलासपुर से निकटवर्ती गांव मारवा कला में स्थित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में जो है पेशेंट्स को रखा जा रहा है। यहां पर पहले से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की थी उनको सैंपल लेने के बाद यहां पर क्वारंटाइन के लिए रखा जाता था। अब जो है यहां पर जो है पॉजिटिव केस उनको भी रखा जाएगा, क्योंकि यमुनानगर में जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा समय जो है वो आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ जो पीछे आप हॉस्पिटल देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 4 जो है कोरोना पेशेंट उनको रखा गया है। और कल यहाँ पर DC साहब, SP साहब, SDM, अन्य सभी आला अधिकारियों की विजिट हुई थी। उसके बाद यहाँ पर इसको आइसोलेशन सेंटर भी बना दिया गया है। और आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। केस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर पहले से ही पेशेंट के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, और अब सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ पर पॉजिटिव जो है पेशेंट उनको भी रखा जा रहा है, तो इस बारे में लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नमस्कार, हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर सरकार द्वारा बनाया गया था, और अब जैसे कि अब कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस दौरान लोकल फैसिलिटीज़ में जो IPD की सुविधाएं हैं वो कम होती जा रही हैं, कि पेशेंट का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके संदर्भ में कल हमारे यहाँ DC साहब, CMO साहब, DSP साहब, SDM साहब और जो हमारे SMOs हैं बिलासपुर से, सढौरा से, सभी ने ही हमारे सेंटर को विज़िट किया और अब इसको अपग्रेड कर क्वारंटाइन से आइसोलेशन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। अब सरकार की तरफ से पूरी की पूरी चीज़ें हमें मुहैया कराई जा रही हैं, जिस प्रकार से किट्स वगैरह, ताकि कर्मचारियों की सुविधाएँ के लिए उनकी सारी चीज़ें हमें प्राप्त हों। और हमारे यहाँ इस टाइम 35 मरीज हमारे सेंटर पे रह रहे हैं, जिनमें से 4 पॉजिटिव हैं और 8 पेशेंट्स की अभी रिपोर्ट हमारे पास आनी बाकी है, और 23 पेशेंट जो हैं क्वारंटाइन में हैं। हाँ जी, जो क्वारंटाइन पेशेंट होते हैं उनको हमने अलग रखा है वार्ड्स में, क्योंकि वो अभी पॉजिटिव नहीं हैं, अभी हम उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो उनके जो सिम्टम्स हैं खांसी, नज़ला, बुखार, जुखाम, सब चेक कर रहे हैं उनकी तरफ से, ठीक है जी। और जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट है वो अलग वार्ड्स में सेपरेट रखे गए हैं और उनका उसी हिसाब से ही ट्रीटमेंट चल रहा है। हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर 60 बेड की सरकार को हम फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। तो भी कुछ बुखार, जुखाम वगैरह अगर लगता है तो अपने नज़दीकी CHC सेंटर्स में जाकर फटाफट अपना चेक कराएं, डरें ना, और सरकार के साथ आप बने रहें।